नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम आ चुके हैं झांसी किले पर और ये किला आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। आज का जो दिन है बहुत ही ख़ास है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का आज जन्मदिन है और जन्मदिन को यहां पर मनाया जा रहा है। झांसी के बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। आज हम विज़िट करेंगे इस किले को और आपको पूरा दिखाएँगे, इस किले के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और विज़िट करते हैं झांसी किला। इस किले की दीवारें तकरीबन 16 से 20 फीट चौड़ी हैं जो कि मजबूती का एक प्रमाण देती हैं कि ये किला बहुत ही मजबूत है। पूरी तरीके से ग्रेनाइट से बनाया गया है इस किले को और 1613 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि ओरछा के राजा थे वीर सिंह जुदेव, उन्होंने इस किले को बनवाया और तकरीबन 28 साल तक यहाँ पर बुंदेलों का राज रहा, शासन रहा, उसके बाद मुग़लों का शासन रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा, मराठों का शासन रहा जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रहीं। तो यहाँ पर कई शासकों ने शासन किया, कई लड़ाइयाँ देखी, जैसे कि आपने 1857 का विद्रोह सुना ही होगा, संग्राम सुना ही होगा, जो कि बहुत ही बड़ी लड़ाई है हमारे इतिहास में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ी थी और अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से उन्होंने हराया था। लेकिन इस युद्ध में वो शहीद हो गई। आज उनका जन्मदिन है, जन्म उत्सव पे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके लिए ये वीडियो बनाया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डाल सकें। अंग्रेज़ों ने लगातार 14 दिन तक इस किले के ऊपर आक्रमण किया, तोपों से गोले बरसाए, लेकिन फिर भी इस किले की दीवार ये तोड़ नहीं पाए थे क्योंकि किला बहुत ही मजबूती के साथ ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया था और काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी जो दीवारें हैं बहुत ऊंची हैं। और ये जब किला बनाया गया तो इसको बंगरा नामक एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया था और झांसी में कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बंगरा नामक पहाड़ी का चुनाव क्यों किया गया इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि ये जो पहाड़ी है इसका जो एरिया था ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी, क्योंकि ये जो किला है, जो मेन किला है, वो तकरीबन 15 एकड़ में है और पूरा जो किला है जिसमें झांसी शहर, मेन झांसी शहर बसा हुआ था, वो झांसी के आसपास दो और पहाड़ियां हैं, मेमासन, केमासन और ये बंगरा नामक ये तीसरी पहाड़ी थी जिसको वीर सिंह जुदेव ने चुना था झांसी किले को बनाने के लिए। और जो दो अलग पहाड़ियां हैं जिसमें मेमासन और केमासन आता है, उन पहाड़ियों का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया था झांसी किले के ऊपर तोपों से गोले को बरसाने के लिए। तो यहाँ पर वो भी पहाड़ियाँ हम आगे के वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये झांसी का किला है और हम अंदर आ चुके हैं। हमने आपको पहले दिखाया है कड़क बिजली तोप, यहीं सामने लगी हुई है और इसके अंदर काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कि झांसी की रानी जहाँ से कूदी थी वो स्थान भी है और कहाँ पर जेल बनाई गई थी वो स्थान भी है, फांसी घर है, बहुत जगह हैं यहाँ पर, शंकरगढ़ है और काफ़ी अच्छे मंदिर हैं। तो यहाँ पर मंदिर भी है अंदर किले में, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं झांसी का जो किला है काफ़ी सुंदर बनाया गया है। 1857 की जब झांसी किले में क्रांति हुई उस समय ये किला जो है एक लोहे की ढाल की तरह दुश्मन के सामने खड़ा था। अंग्रेज़ी सेना इसको भेद नहीं पा रही थी क्योंकि जो पूरा किला आप देखेंगे ये ग्रेनाइट से बनाया गया किला है और चारों तरफ ग्रेनाइट के पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ग्रेनाइट जो है बुंदेलखंड में बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है और यहाँ का ये लोकल पत्थर है ग्रेनाइट, तो प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट का पत्थर किले को बनाने में इस्तेमाल किया गया। इस कारण से जो किला है एक चट्टान की तरह बना और इस चट्टान पर कितने भी आप गोले बरसाइए, कितना भी आक्रमण कीजिए, तो अंग्रेज़ी सेना ने खूब गोले चलाए, खूब आक्रमण किया इस किले के ऊपर। तकरीबन 14 दिन तक उन्होंने किले के ऊपर आक्रमण करते रहे, लेकिन फिर भी किले की दीवार का एक ईंटा भी, एक ईंट भी वो हिला नहीं पाए थे, इतना मजबूत ये किला बना है। और आप देखेंगे जो इसका रखरखाव है आज भी बहुत ही अच्छे से इस किले को मेंटेन करा जा रहा है और जैसे पहले दिखता था वैसे ही सेम आज भी दिखता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस किले को मेंटेन किया गया है, आप इसको विज़िट कर सकते हैं और विज़िटिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, इतिहास को जानने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। जैसे कि आप जानते हैं जो झांसी का इतिहास है बहुत ही ख़ास है, महत्वपूर्ण है और रानी लक्ष्मीबाई का नाम अगर इस किले से जुड़ा हुआ है तो ये जगह जो है बहुत ही ख़ास हो जाती है। तो आप यहाँ पर जब भी विज़िट करें, ये झांसी से स्टेशन से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है
और बहुत ही आसानी से आप इस किले तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डाल सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।